आपको मतलब पहले दिन से यहाँ पर आकर कैसा लगा? जो पहले दिन आए थे और अब लगा, आप कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा सर। पहले दिन तो सोच रहे थे कि सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा, जब आप यहाँ आने से पहले, क्या आने से होगा पहले, सर। और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब अच्छा, अपने दिल से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? सर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं, पहले कंपोनेंट का नॉलेज। अच्छा, मैं स्पीकर की बात करूं, अगर एक आपको कोई भी मोबाइल दे दूं 3 दिनों के अंदर, और आपको बोलूं कि इस मोबाइल के स्पीकर का पूरा सर्किट खींचो बिना सर्किट डायग्राम के, आप लोग बताइए 3 दिन के अंदर कौन कौन खींच सकता है मोबाइल में सर्किट? मतलब आप सर्किट, ये तो मजाक हो रहा है भाई, लोग बोलेंगे कि सर ने सबको पैसे दिए हैं। नहीं ना, हमने किया हुआ है बताओ, हमने किया हुआ है सर, सर्किट डायग्राम क्रिएट करके हमने किया। अगर टिप नहीं है तो हम बनाएंगे सर, उसी कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पर मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? उससे ज्यादा मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने कितना टाइमिंग देते हो आप यहाँ पर, यहाँ क्लास में कितना टाइमिंग आती है? 8 से 9 घंटे टोटली टाइमिंग लगता है। और रात में? रात में 9 बजे से 12 बजे। तो रात में कौन पढ़ाने आते हैं आपको? राइट सर, 10 बजे से 1 बजे तक। राजेश सर को बुलाओ। ईएमसी का क्या अपडेट है यहाँ पर? सर एक मार्च का क्लासेस शुरू होएगी, 10 दिन का बैच है। 10 दिन का बैच है यहाँ पर? हाँ 10 दिन का बैच है। और अपडेटेड, जैसे अभी हमारे यहाँ एक क्लास लग गई है, 5 स्टूडेंट बोले थे, 5 आ चुके हैं कि नहीं आ गए? तो अभी आप ही के साथ रह रहे हैं, उनके क्या रिव्यू है आपके साथ रहने पर? सर बहुत अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, उनके सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में है मेरे स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? अरिस्तु कुमार। कहाँ से हो? बिहार से आया हूँ, भागलपुर जिले से। वेरी गुड। आप क्या बताने वाले हो आज? आईफोन की फ्लैशिंग बताने वाले हैं। आईफोन की फ्लैशिंग बताने वाले हो? कब सीखी आपने? आज ही सीखे हैं। तो मतलब उसको आपके पास भी आईफोन आएगा तो फ्लैश हो जाएगा आपसे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताओ। इंद्रपाल। कहाँ से हो? पंजाब से। इंद्रपाल, तो आज इनको असिस्ट करने वाले हो आप फोन को कनेक्ट करके? सो बताइए, सबसे पहले आईफोन की फ्लैशिंग करने के लिए आपको क्या फाइल चाहिए, टूल चाहिए बताइए। अगर 3U टूल चाहिए मुझे। 3 एक बार वो PDF ओपन कर लो ताकि यहाँ पर हम लोगों को भी दिखा सकें। चलो यहाँ पर हमें आईफोन को फ्लैश करने के लिए कौन सा टूल चाहिए? 3U टूल चाहिए। बाकी iTunes से भी फ्लैश कर सकते हैं? अच्छा, और ड्राइवर कौन सा चाहिए हमें? iTunes। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें अलग से कोई ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मतलब iTunes डाउनलोड कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बात करें कि हमें फ्लैशिंग क्यों करना है? फ्लैशिंग फोन लोगों पे है या फिर फोन में टाइमिंग सेट हो गए हैं? टाइमिंग जिस तरह से यहाँ पर, जैसे दिखा दीजिए जरा, जैसे यहाँ पर पासकोड लगा हुआ है, दिखा दो जरा फोन सामने से। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब हो गया। चलो बताओ यहाँ पर कि ये फोन मेरा डिसेबल है तो मुझे क्या चालू मोबाइल में मैं फ्लैशिंग कर सकता हूँ क्या? रीजन? टाइमिंग सेट हो गया तो उसको कौन सा मोड पे ले जाना पड़ेगा? इसमें DFU मोड पे ले जाना पड़ेगा। तो DFU मोड कैसे लाते हैं आपको पता है? तो यहाँ पर DFU मोड हमारे सारे स्टूडेंट लेके जाएंगे, बताइए कैसे ले जाना है प्रॉपर। सबसे पहले तो फोन को ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, अच्छी तरह से कम्प्लीटली ऑफ होने देना। हाँ, घूमता रहता है। हाँ, होम बटन को प्रेस करना है, डाटा केबल लगानी है, USB केबल, तो होम बटन को दबाए रखना है जब तक DFU मोड नहीं आता हमारा। हाँ, तो ये DFU बूट आ गया। चलिए ठीक है, अब तुम बताओ आगे क्या करना है। 3U टूल को ओपन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आई डिवाइस में दिखा दो कि फोन कनेक्ट हुआ है कि किस मोड पे कनेक्ट हुआ। ऊपर आई डिवाइस, तो यहाँ पे बता दो फोन किस मोड पे कनेक्ट हुआ है। फोन रिकवरी मोड पे कनेक्ट हुआ है। सो उसके बाद अब क्या करना है बताइए। ठीक है, फिर अगर मान लो अगर डाउनलोड नहीं है तो अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से हो जाएगी डाउनलोड? दिखा दो जैसे, तो उसको बंद कर दो, जो डाउनलोड किया हुआ है फाइल हमारे पास है ही, उसको बंद कर दीजिए। अब वापस उसी मोड पे जाइए। अब यहाँ पर क्या करना है, फाइल इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट पे जाएगा, फाइल पड़े हुए हैं। ठीक है, इस फाइल का फॉर्मेट क्या है? इस फाइल का फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन क्या है इस फाइल का? IPSW। वेरी गुड, करो।
तो यहाँ पर ये फाइल वेरीफाई हो रही है। दोस्तों ये टूल मैं बता दूं, ट्री व्यू टूल अगर आप यूज करते हैं तो अपने डाटा को भी बचा सकते हैं, बट अगर आप पैटर्न हटा रहे हैं या आपका पिन को पासपोर्ट लगा हुआ है उसको हटाएंगे तो डाटा बचेगा नहीं, क्योंकि वही डाटा होता है। बट अगर लोगो पे अटका हुआ है तो हम ये टूल यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारा डाटा आ सकता है। अब बताइए क्या करना है। अब नीचे पर डाटा हम बचाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारा पासपोर्ट लगा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, करेंगे करो। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ गुड कनेक्शन आई बिटवीन आई डिवाइस एंड पीसी इंप्रूव द फ्लैश इन सक्सेस। वो ये बता रहा है कि जितना ज्यादा अच्छा इंटरनेट होगा उतना ही आपका, क्योंकि बेसिकली हो भी ऑफलाइन रहा पर तब भी ऑनलाइन है, तो यहाँ पर तब भी तो इसको हम फ्लैश में टिक करें यहाँ पर, क्योंकि रुक जाओ एक बार वाईफाई कनेक्ट हम दूसरा ले लो, दूसरा वाईफाई दे दो यार, मेरा एसर टेलीकॉम वाला बहुत कम जा रहा है। नहीं नहीं करना नहीं है ना हमको यूजर डेटा को टेक, इसलिए नहीं करना है। क्यों, रीजन क्या है कि हमारा तो पैटर्न लगा हुआ ना पासपोर्ट डाटा, अगर वो कर देंगे तो वापस पैटर्न पासपोर्ट आ जाएगा। सो आप कर दीजिए फ्लैश, कर दीजिए कोई नहीं, कर दीजिए फ्लैश उसी में, पर वो बहुत कम जा रहा है ना, चलो कर दो फ्लैश। सो यहाँ पर हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा बहुत कम है इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गया है। ट्री यू टूल सबसे बेस्ट टूल है आईफोन की फ्लैशिंग के लिए, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो गूगल में जाके क्या लिखना पड़ेगा, ट्री यू टूल लिखना पड़ेगा। अगर स्कैटर फाइल आएगी तो कौन सा टूल यूज करोगे, स्कैटर आएगी तो एसपी फ्लैश टूल यूज करोगे, और अगर मान लीजिए स्कैटर पैक आती है तो एसपीडी, और अगर एमबीएन आती है तो MBN आती है तो MI Flash Tool यूज कर सकते हैं, पर Qualcomm वाली MBN में कौन सी यूज करेंगे, Qfil ही बेस्ट है कि UMD बेस्ट है, दोनों UMD बेस्ट है, दोनों में अंतर पता ना क्यों बेस्ट है, रीजन आपको अगर मैं यहाँ पर तुमसे पूछू तो तुम बताओ कि अगर मेरे पास LG आता है तो कौन सी फाइल आएगी, LG आएगा तो उसका आएगा KDZ, वेरी गुड। अगर मेरे पास में सोनी आता है तो कौन सी फाइल आएगी, वेरी गुड, FTF फाइल आएगी वहां पर। अगर मैं आपसे उधर सैमसंग आई तो कौन सी फाइल आएगी, डॉटर, सैमसंग आएगी को कौन सी, डॉटर यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने बहुत सारी फाइल हमने यहाँ पे ली हुई है कि अगर मैं मोड, अगर सोनी का मोड क्या होता है, फ्लैश मोड, वॉल्यूम डाउन, सोनी का फ्लैश मोड क्या होता है, वॉल्यूम डाउन, और LG का फ्लैश मोड क्या होता है, वॉल्यूम अप। सैमसंग में एक फ्लैश मोड बताओ, सैमसंग में फ्लैश मोड नहीं डाउनलोड मोड होता है, वेरी गुड, डाउनलोड मोड होता है। और अगर मीडियाटेक में क्या होता है, फ्लैश मोड होता है, क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या दोनों या कुछ भी नहीं, दोनों कुछ भी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ बताओ कि अगर SPD में फ्लैश मोड क्या होगा, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, वेरी गुड। यहाँ पर आप बताओ कि Qualcomm में फ्लैश मोड क्या होगा, वॉल्यूम अप और डाउन, एडियल केबल और टेस्ट पॉइंट यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी चीजें, अब यहाँ पे हमारा फोन फ्लैश हो रहा है 30% पे चला गया है फोन। अब तक हमको कितने दिन हो गए फ्लैशिंग के, चार पांच दिन, एक महीना तो नहीं हुआ ना, चार पांच दिन में आपने कितनी फ्लैशिंग सीख ली, लगा सब मोबाइल का कि अगर सर Qualcomm आए तो फ्लैश कर सकते हैं, MI आए तो फ्लैश कर सकते हैं, सैमसंग आए तो डाटा भी बचा लेंगे, फ्लैश भी कर लेंगे, FRP भी निकाल लेंगे, अरे यार रूट भी कर लेंगे, MI आई तो FRP भी निकाल लेंगे। जैसे इनने अभी कितने मेरे को फोन ले, तुम्हें अपने MI का फोन को फ्लैश किया था ना, कौन सा साइड है तुम्हारा MI का, Note 4 को फ्लैश किया था, पहले कौन सी रोम थी, रोम 10.3 थे, अभी क्या हो गया, अभी 7.7। तो तुमने पूरा फ्लैश किया तो MI अकाउंट भी था उसमें, तो फ्लैशिंग के टाइम पे MI अकाउंट भी हट गया, सारे चीज तो अभी MI Note 4 की फ्लैशिंग की इन्होंने क्लास अटेंड करने के बाद, तो मतलब आपने MediaTek की फ्लैशिंग कर सकते हो, MediaTek का नेटवर्क रिपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते यहाँ पर। तो चलिए हमारा हो रहा है 60% चला गया हमारा फ्लैश, और देखिए यहाँ पे बार चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बार चल रहा है थोड़ा ऐसा, हाँ साइड में लेके ऐसा दिखा दो, बिल्कुल ऐसा, तो भाई फोटो आ जाएगी, तू भी आ जाए, खड़े हो जाए बीच में,
तुम लोग को थंबनेल में डाल देंगे और ऐसा कर लो ऐसा। वेरी गुड ठीक है, ये थंबनेल में डाल देंगे। हाँ हो जाओ। तो यहाँ पर देखो नीचे एक आ रहा है मैसेज, फ्लैशिंग आई डिवाइस विदाउट यूजर डाटा, मतलब वो डाटा को डिलीट करेगा। तो 99 हो गया है अपडेटिंग बेसबैंड। तो फ्लैशिंग के टाइम पे भी हम समझ सकते हैं कि कहां पर एरर आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी आईसी का वर्क होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमें बेसबैंड निकालना है। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन क्लीन फ्लैश। अब मोबाइल फोन दिखाइए यहाँ पर थोड़ा पास में लाके, ऑन हो रहा है। तो सारा चीज यहाँ पे वीडियो में निकाल लो, केबल निकाल लो। अब आगे ले आओ। अब यहाँ पर देखिए फोन ऑन कर रहे हैं हम इसको। अभी ध्यान रखना आप सब लोग, क्योंकि अभी लाइव फ्लैश चल रहा है। सो अभी लाइव जब ये ऑन हो जाएगा तब इसको अपन को फिर से iTunes से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि iTunes देना ही पड़ेगा। iTunes नहीं दोगे तो फोन कनेक्ट नहीं होगा, वो खुद बोलेगा या तो कनेक्ट iTunes या तो वाईफाई दो। तो वाईफाई तो देंगे नहीं ना, सो हम क्या करेंगे iTunes। अगर हमने डाटा पुराना हमने पहले से लिया है तो वो वापस ले सकते हैं। सो हम पहले इसको फ्लैश होने देते हैं। पहले देखो ये रिसेट हो रहा है यहाँ पर फोन। कैमरे में भी दुख जाओगे ना तुम, कैमरे में नहीं हो। शर्मा रहा हो दुल्हन की तरह दुल्हन शर्माती है ना जैसे कि रात में सुहागरात है ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो यहाँ पे फोन अभी हमारे लोगों पर है, अब फोन हमारा ऑन होगा तो ये होगा होला स्क्रीन पे। देखो ये होला स्क्रीन पे आ गया। आप फोन को आगे बढ़ाइए, चल करो आगे, करो प्रोसेस करो, आगे बढ़ाओ, बटन दबाओ। अब यहाँ पे स्क्रीन इंग्लिश सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया देखो सबसे ऊपर ही होगा, नहीं है तो सिलेक्ट करो। जनरली इंडिया सबसे ऊपर ही रहता है क्योंकि कंट्री वाइज फोन होते हैं वो। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ाओ। सो देखिए अब यहाँ पे फोन सेटिंग, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्लैश करने के बाद में डायरेक्ट फोन ऑन नहीं होते। अभी आपकी होम स्क्रीन आनी है तो हमें देखना है कि हमारा जो पासपोर्ट लगा था वो निकला है कि नहीं निकला है। आप देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश ले लिया, कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट ऊपर लिखा, ऊपर सबसे ऊपर नेक्स्ट। आप देखो यहाँ पर दो चीज आ रही है, या तो नेटवर्क मांग रहा है वाईफाई, या तो क्या बोल रहा है तो कनेक्ट टू आईट्यून पे टिक करो। कनेक्ट टू आईट्यून पे टिक करोगे ना तो सीधे डीएफयू बोर्ड में चला जाएगा। कंटिन्यू करो तो देखो सीधे कौन से बोर्ड पे आ गया, तो अभी कनेक्ट करो फोन, अभी सीधे डीएफयू बोर्ड पे आ गया। अब आईट्यून, आईट्यून ओपन करो, नीचे खुला हुआ आईट्यून, ये देखिए। सो यहाँ पर देखो आईट्यून दिखा रहा है, ओके करो इसको। सो यहाँ पर कैंसिल करो, कैंसिल करो, देखिए अब यहाँ पर आईट्यून दिखा रहा है यहाँ पे हमें फोन में। तो iTunes फिर से इसको डिस्क आ गया यहाँ पर फोन, देखो वहां पर टिक करो, अभी रुक जाओ बेट, ये देखो आ गया iPhone आ गया यहाँ पर। सो ये हमारा iPhone आ गया है, ये फोन देखो हमारा एसेस कर रहा है यहाँ पर। सो अभी हमें यहाँ पर दिखाएगा न्यू फोन डाटा दिखाएगा या ओल्ड फोन डाटा रिकवरी दिखाएगा, तो हमें न्यू फोन पे टिक करना है। तो देखो यहाँ पर आ गया, अब देखो ये हो गया बढ़ गया, सेटअप न्यू फोन करो तुम, सेटअप न्यू फोन। अब देखो आगे बढ़ाओ तो पासपोर्ट दे दो, पांच 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 दे दो फिलहाल, कंटिन्यू करो तुम, कंटिन्यू गैस स्टार्टिंग करो। सो देखो यहाँ हमारा आईफोन यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं पास आउट हो रहा। सो यहाँ पर आप एग्री करो, एग्री करो, कंटिन्यू। ये देखिए सो यहाँ पे खुल गया। चलो इन दोनों के ताली बजा देगा।
सबसे ज्यादा इनके लिए, इनके लिए इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना MI Note 4 फ्लैश किया क्लास के बाद ही, क्योंकि जनरली लोग सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी अपने फोनों पर टक नहीं करते, जबकि एक टेक्नीशियन को पहले अपने फोन का इलाज करना है, क्योंकि अगर अपने फोन को करने से डरोगे तो फिर कैसे टेक्नीशियन बनोगे, सीधी सी बात है, तो वो डर निकालना है। इन्होंने अपने सीधे जिस चलने वाले फोन पे, एक ही फोन था ना तुम्हारे पास, तुम ये भी सोच सकते थे कि डेड हो सकता था, क्या हो सकता था, पर क्या हमारी EMC की क्लास है, डेड होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। तो हमारी EMC की क्लास का क्या अपडेट देना चाहोगे यहाँ पर? सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पर। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्री है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करके मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Mansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.